नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस स्टार्टिंग। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले पिछले दो दिन में आप सभी लोगों को जानकारी दी है कि अमित शाह जी सहकारिता मंत्री, जो कि 5 नवंबर 2023 को यानी कि कल मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा मैदान आ रहे हैं, तो वहाँ हम लोग जाने के लिए तैयार हैं और कल हम वहाँ पहुँचेंगे। आप में से जो भी साथी आना चाहे आ सकते हैं और सहारा इंडिया जमाकर्ताओं की मांग उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और जिसके लिए हमने एक पिटीशन बना लिया है। आखिर उस पिटीशन में क्या लिखा है ये जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है, और इसी के लिए अभी लाइव आकर के जानकारी दे रहा हूं। और साथ ही आप तमाम लोगों को कन्फर्म करना चाहता हूं कि किसी भी हाल में हम वहां पहुंचेंगे और पहुंचकर अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमने 31 जुलाई 2023 को पहले ही उनको एक पत्र दिया है जिसमें कि हमारा 10 मांग था, जो कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पे जो गड़बड़ियां हैं, जो कमियां हैं, या फिर आप लोगों को जो उस पोर्टल के माध्यम से छटनी किया गया है। अब छटनी हम इसीलिए कह रहे हैं कि उस पोर्टल पे जिन जमाकर्ताओं की मृत्यु हो गई है उनके लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है कि कैसे वो अप्लाई करेंगे। साथ ही अगर जा करके आप पीछे का वीडियो देखिएगा, जितना भी न्यूज़ है उसके माध्यम से ये बताया गया कि सहारा इंडिया का पैसा मिलना शुरू, जबकि सहारा इंडिया का तकरीबन हमारे जानकारी के हिसाब से और सेबी ने जो हमें लेटर दिया है उसके हिसाब से 15 स्कीम या फिर 15 कंपनी चल रही थी, जिसमें मात्र 4 सोसाइटी का पैसा देने की बात हो रही है, और इसी में पूरा देश में डंका पीट दिया गया कि पैसा वापस दिया जा रहा है। अमित शाह जी ने ये कहा था कि 45 दिन में जो लोग क्लेम करेंगे उनको 10,000 रुपया दिया जाएगा। 90 दिन हो गया और किसी को पैसा अगर मिला हो तो कमेंट्स करके और बताइएगा, और साथ ही जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, तभी लोगों तक पहुंच पाएगा और तभी आपका ये मुद्दा बन पाएगा। अगर आप शेयर ही नहीं करेंगे तो मैं कितना भी बोलते रहूंगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो वो पिटीशन क्या है, उसमें हमने क्या लिखा है, वो मैं आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा, और आप कमेंट्स करेंगे तो मैं इसको आप लोगों को भी देने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग खुद से भी पढ़ सकें। और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब लाइव इंड होगा तो मैं अपने ब्लॉग www.workervoice.in पे इसको पोस्ट कर दूंगा जिससे कि आप पढ़ सके। और इसमें हमने पहले पैराग्राफ में यही लिखा है कि जो भी हमने अभी तक आंदोलन किया है, जो भी सरकार से मांग किया है, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसका जिक्र किया है। और जब सुनवाई नहीं होती है तो पटना हाईकोर्ट में मैं जनहित याचिका दाखिल करता हूँ, उसकी भी चर्चा की है। उसके बाद जैसा कि हाईकोर्ट का आदेश था, हमने फिर से कंपोटेंट अथॉरिटी को रिमाइंडर दिया, लेटर दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 29 मार्च 2023 को एक आदेश आया जिसमें कि 5,000 करोड़ सभी जमाकर्ताओं को देने का आदेश हुआ था, और जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा उनके जो सहकारी मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, यानी कि आपके द्वारा, उनके नाम से पिटीशन लिख रहे हैं इन्हें, इसलिए ये लिखा है कि आपके द्वारा 18 जुलाई को पोर्टल लॉन्च किया गया, और उसमें ये कहा गया कि पहली बार हम 10,000 रुपया देंगे और 45 दिन में देंगे, और ये मौखिक आपका कहा हुआ था और इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया। और किसी भी जमाकर्ता का 10 लाख हो या 50 लाख ही क्यों न हो, उसको पहली बार 10,000 देने की ही बात की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन है। और यही नहीं, 31 जुलाई का जो हमने उनको पिटीशन दिया है उसका भी जिक्र किया, उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया और ना ही कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी किया। और सबसे लास्ट पैराग्राफ में हमने लिखा है कि 45 दिन लोगों का हो चुका है, 45 दिन से ज़्यादा हो गया है और अभी तक किसी को पैसा नहीं दिया गया, भले ही लोगों का 10 लाख हो या 50 लाख हो, अगर लोगों ने क्लेम कर दिया है तो उनको 10,000 रुपया ही मिलना है, और वो भी आपके कहे अनुसार 45 दिन में नहीं मिला। और साथ ही ये लिखा कि जिन लोगों ने क्लेम कर दिया है, क्लेम करने के बाद अलग अलग विभिन्न रीजन से उनका जो क्लेम है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों से जानकारी मिल रही है, मुझे ये लगता है कि अगर 100 लोगों ने क्लेम किया होगा तो 90 लोगों को ऐसे ही आउट ऑफ उस क्लेम के दौर से बाहर कर दिया, जो लोग 10,000 रुपया पाने का वेट कर रहे थे। लेकिन जान लीजिए, जिन लोगों को 10,000 रुपया मिल भी जाएगा, माफी चाहूँगा, जिन लोगों को क्लेम करने के बाद 10,000 रुपया मिल भी जाएगा,
बाकी पैसा कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं, और बीच में कहीं आप शिकायत नहीं कर सकते, किसी फोरम में इस मामले को नहीं उठा सकते, ऐसा आपने घोषणा खुद लिख करके दिया है। और लास्ट में हमने यही कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से जनहित में जो हमने पिटीशन दिया है, 10 मांग आपके सामने रखा है, उसको ध्यान देते हुए अविलंब सभी लोगों का पूरा पैसा सूद समेत एक बार में वापस किया जाए, और ये पिटीशन आपके सामने है जिसको मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि जब तक आप अपनी मांग को मजबूती से नहीं उठाएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है, सीधा बात है। पैसा आपका है, कोई अगर आपको ये कहे कि वो आपको पैसा दिलवा देगा तो वो गलत है। मैंने भी कभी आपको ये दावा नहीं किया कि मैं आपको पैसा दिला दूंगा। मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि आपका पैसा है, आपको खड़ा होना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, तभी जा करके कहीं ना कहीं पैसा मिलने का रास्ता खुलेगा। पूरे देश के लोग जब तक यूनाइट नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई सरकार सुनेगा। वो अलग अलग मुद्दे पे आपको गुमराह करेंगे, इलेक्शन आते आते टाँ टाँ बात फिक्स हो जाएगा अगर आप भूल गए तो। इसलिए आपको याद रखना है इस बात को कि आपका पैसा सरकार के संरक्षण में लूटा गया। सरकार के संरक्षण में नहीं लूटा जाता तो तकरीबन 1.5 साल से तो हम लोग ही कंप्लेन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। और एक और बात अंत में मैं कहना चाहूँगा, हम इसीलिए अभी पिटीशन देने जा रहे हैं, अगर इस पिटीशन पे सुनवाई नहीं करते हैं तो फिर आपका पिटीशन देने का बारी होगा। आपका मतलब क्या, जब आप उनको वोट देंगे तब उसका बारी होगा, और उस समय हम उनको याद दिलाएंगे कि हमने विभिन्न तरीके से आपको याद दिलाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी आपने सुनवाई नहीं किया। तो जब आप वोट मांगने आइएगा तो जनता आपको वोट देगी, और किस प्रकार का वोट देगी ये खुद आपको देखना है। दोस्तों इस बात को याद रखेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और आपको बता दें कि ब्रांच के द्वारा भुगतान हो, चंदन कुमार मिश्रा जी लिख रहे हैं ब्रांच के द्वारा भुगतान हो, क्योंकि सब लोग लेखा नहीं है। देखिए बता रहा हूँ चंदन जी, मैं कभी भी ब्रांच के द्वारा भुगतान की बात को नहीं उठाऊंगा, इसीलिए क्योंकि उसी ब्रांच के द्वारा घोटाला किया गया। गरीब आदमी जाएगा वहां पैसा मांगने के लिए, उसे अंगूठा लगवा लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जैसे सहारा इंडिया का कोई ब्रांच ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि सहारा इंडिया 2015 में ही बंद हो चुका है, तो ब्रांच खुलने का सवाल कहां पैदा होता है। और जो लोग भी ब्रांच चला रहे हैं उनको एक बात हम आपको कह देना चाहते हैं, और ये कह देना चाहते हैं कि अब मान लीजिए कोई लूट होती है और जो मेन चोर है वो क्या करता है, पैसा लेकर के भाग जाता है, और दूसरे को या फिर वहाँ पे सहकर्मी को क्या करता है, वो झोला पकड़ा देता है और वो आदमी झोला लेकर के बैठा रहता है। पुलिस उधर से आती है, माल लेकर के कोई और भाग गया और जो झोला पकड़े हुए है ना वही पकड़ाता है। तो अभी जो लोग भी ब्रांच पकड़ के बैठे हुए हैं, कल को यही होगा, पुलिस उन्हीं को पकड़ेगी, उन्हीं का कुर्की होगा, सहारा इंडिया निकल जाएगा। तो इसीलिए ब्रांच के चक्कर में मत पड़िए। ये तरीका सरकार का जो है एक तरह से ठीक था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ी क्या किया है, अपना फायदा निकालने के लिए ये अलग अलग तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। लोगों को ऑफलाइन ऑप्शन देना चाहिए था। हमने हालांकि 10 मांग की है, जिसको जाकर के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, अगर वो सारा सुधार हो जाए तो कहीं ना कहीं पोर्टल के माध्यम से लोग अप्लाई करेंगे तो पैसा मिलने की उम्मीद जगेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सरकार कुछ करने वाली है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं 10,000 रुपया का झुंझुना दिखा करके आप लोगों से वोट ठगने के लिए और ये पोर्टल लेकर के आई है, इस बात की जानकारी हमने काफी पहले दी है। दोस्तों उम्मीद करूंगा कि अधिक से अधिक लोग वहां पहुंचेंगे, और पहुंच करके हम कोशिश करेंगे कि अपना जो मांग है अमित शाह जी को दें, कोशिश करेंगे उनसे हमें मिलवाया जाए, और नहीं मिलवाया जाता है तो हम फिर भी कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि अभी थोड़ी देर में मैं जो मुजफ्फरपुर के DM हैं और SP हैं उनको मेल करूंगा, और मेल करके उनसे गुजारिश करूंगा कि मांग पत्र उन तक पहुंचवाने में हमारी मदद करें। इसके साथ ही विदा लेता हूं। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि पूरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ता तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, धन्यवाद।